हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल एमपीएस ट्यूटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन नीड ऑफ फॉरेस्ट। नीड ऑफ फॉरेस्ट मींस हमें जंगल की जरूरत क्यों है, हमें जंगल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें क्या जरूरत है जंगल की। जंगल का मतलब फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का सिर्फ मतलब सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उसमें रहने वाले जितने भी हजारों लाखों को तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ हजारों जो लिविंग थिंग्स होती हैं, प्लांट्स हो गए, ग्रासेस हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सबकी नीड हमें है, सबकी जरूरत हमें है। वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं वी कैन से वी आर वी यूज मेनी प्लांट्स फॉर मेडिसिन, वी यूज फॉर मेडिसिन, वी यूज फॉर फूड, फ्लावर्स एंड फॉर मेनी थिंग्स। सो टूडे वी विल लर्न नीड ऑफ फॉरेस्ट। Why are forests necessary? So let's start our chapter, our topic, forest. My dear friends, you know, मैंने आपको कई बार बताया है कि कितने प्रकार की जो प्लांट्स होते हैं, kinds of काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, डेजर्ट फॉरेस्ट एंड टिडल फॉरेस्ट, है ना। उसके बाद आपका डेजर्ट फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, एंड मानसून फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, कहने का मतलब आपके, मैंने आपको बताया था बाउंडेड फॉरेस्ट होता है जिसको हम कोनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट यानी जिसको हम थॉर्नी एंड श्रब्स भी कहते हैं, टीडल फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट, है ना, मानसूनी फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम सदाबहार भी कहते हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बता दिया, मतलब मीन्स कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं,
और मैं आपको आज फर्स्ट क्यों नीड है हमको जल्दी से हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे फॉर फूड फॉर मेडिसिन फॉर मेडिसिन फॉर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फूड है ना लकड़ी के लिए उसके बाद और फ्लावर है ना और फॉर फूड के लिए हो गया मेडिसिन के लिए हो गया एक्सपेंसिव फूड के लिए हो गया फ्लावर के लिए होता है फ्रूट फ्रूट के लिए होता है ना और फॉरेस्ट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं कह सकते हैं हैबिटेट के लिए हैबिटेट के लिए हाउस है ना हाउस भी कह सकते हैं आप रहने के लिए रहवास अधिवास भी कहा जाता है ना कैबिटेशन होता है ये कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जंगल से हमें मिलती हैं है ना एनिमल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं हंटिंग करते हैं हंटिंग का काम करते हैं शिकार करते हैं है ना अब जंगल में हम लोग ये तो थोड़ा सा काम हो गया अब देखिए जंगल में हम लोग क्या करने जाते हैं जंगल में हम लोग क्या करते हैं जंगल में ट्रिप जाते हैं या टूर करते हैं है ना इंजॉय करते हैं इंजॉयमेंट करते हैं है ना और क्या करने जाते हैं पिकनिक स्पॉट पिकनिक स्पॉट होता है ये सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं है ना सबसे बड़ी बात रिलीज CO2 एंड द ऑक्सीजन यानी O2 यानी हम CO2 रिलीज करते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन है ना तो वी कैन से द plants are provide oxygen है ना जो plants होते हैं जो forest होते हैं very helpful for rain rain forest used for shelter या house कह सकते हैं आप है ना और क्या कह सकते हैं आप फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया ना फॉरेस्ट इसलिए यूज किए जा सकते हैं मेडिसिन के लिए यूज होते हैं फूड के लिए यूज होते हैं लकड़ी यानी इमारती लकड़ियों के लिए यूज होते हैं ऑक्सीजन हमें मिलता है हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो उसको जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं सब अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं जो हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है हम जो है फूड का उपयोग करते हैं या हंटिंग का काम करते हैं हमें हंटिंग होती है शिकार करते हैं जाके जंगल में
हम कभी कभी अपनी जो छुट्टियाँ होती हैं, जो हॉलीडेज होते हैं, इनको हम जंगल में जाते हैं पिकनिक स्पॉट के रूप में, वहाँ पर जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, अपनी जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस के लेवल को डाउन करते हैं, और अपनी हॉलीडे को, अपनी छुट्टियों को यादगार बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, टूर करते हैं, ट्रिप करते हैं, है ना। कि बहुत सारी चीज़ें हम जो है जाके फॉरेस्ट में, जंगलों में हम इंजॉय करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं, इंसेक्ट्स को देखते हैं जो हमने कभी देखे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हम नेचर से इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट टू द नेचर, है ना। क्योंकि हमारी लाइफ जो इतनी बड़ी आपाधापी की है, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल हो गई है कि हमें समय नहीं मिलता कि हम नेचर से इंटरेक्ट हो सकें, तो हमें जो छुट्टियाँ मिलती हैं तो हम जंगलों की तरफ भागते हैं। आप बताइए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टियाँ होती हैं तो सीधे हिली रीजन में भागने की कोशिश करते हैं, समर का सीजन आता है तो हिली रीजन में जाते हैं, चलो माउंटेन रीजन में चलते हैं, वहाँ पर घूम के आएंगे। क्यों भागते हो वहाँ पे? क्योंकि आपको वहाँ पे एडवेंचर मिलता है। हम एडवेंचर ट्रिप, एडवेंचर टूर करने जाते हैं, क्यों? आपके आसपास क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप चीज़ों को यहाँ पर देखे रहते हैं, इसलिए कुछ आपको नया चाहिए, हमेशा आपको कुछ नया चाहिए। जब आपको नया मिलता है तो आप उसको अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, आप अच्छे से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारी हैबिचुअल जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी हैबिचुअल बॉडीज हैं, वो जो चीज़ें हमारे सामने नहीं दिखती हैं, यानी जो हमारे लिए स्ट्रेंज होती हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। और जिसको आप ऑलरेडी 24 आवर्स इंटू 7 डेज, 24 इंटू 7 डेज जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, 7 दिन 24 घंटे, उसमें क्योंकि ऑलरेडी आप उसको एब्जॉर्व कर चुके होते हैं 3D आयाम से, यानी उसकी मोटाई, ऊंचाई, लंबाई, जिस भी तरीके से होते हैं, उसके गुड हैबिट, बैड हैबिट सब आप जान चुके होते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं उसको आप जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मन की क्यूरियोसिटी होती है, ये हमारे दिमाग की क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, जो शांत करने के चक्कर में हम लोग कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। वैसे वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। अच्छा हाँ, बर्ड्स मैंने बात की, तो हमारे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है जंगल को बचाने के लिए, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन या वन महोत्सव ऑर्गेनाइज कराती है ना। जंगलों को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए थे। एक मूवमेंट हुआ था 1970 के आसपास जो है ना, क्या हुआ था, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट हुआ था, है ना। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, है ना। इसको चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। बहुड़ा ने चलाया था इसको, उनके एक सहयोगी थे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, है ना। इन लोगों ने वहाँ पे मूवमेंट चलाया। और होता क्या था, क्योंकि प्लांट डेवलपमेंट के चक्कर में, यानी उत्तराखंड में, यानी उस समय जो उत्तराखंड है, इस समय वो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तो वहाँ पे जो माउंटेन पे जो प्लांट्स होते थे उनको कट करने लगा, किया जाने लगा रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आप एक मूवमेंट चलाओ, क्योंकि अगर प्लांट्स कट जाएंगे तो कई चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। पहली बात तो लैंडस्लाइड हो जाएंगे, क्योंकि जो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो उस मिट्टी को पकड़े रहती हैं। फिर जब रूट्स कट जाएंगी, जब प्लांट्स कट जाएंगे तो रूट्स ढीली हो जाएंगी, मिट्टियाँ फिर धीरे धीरे खिसकने लगेंगी। दूसरा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बदल जाएगा। तीसरा क्या है कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या मिलता कि वहाँ की जो हरियाली थी जिसके लिए वो फेमस थे, वो वहाँ की सुंदरता, वहाँ की जो ब्यूटीफुल जो गॉर्जियस लुक था वो फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ पर चिपको मूवमेंट चलाया गया। वहाँ पर एक एक व्यक्ति जाके पेड़ से चिपक गया और लिपट गया, अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा कि अगर आपको पेड़ को कट करना है तो पहले मुझे कट करो, उसके बाद पेड़ को कट करो। तो बहरहाल ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद जो है वहाँ चिपको मूवमेंट चलाया गया, काफ़ी दिनों तक चला, और फिर ये सक्सेसफुल रहा। इसी को देख करके एक आंदोलन चला, एपिको आंदोलन चला था, ये साउथ इंडिया में चला था, है ना, वहाँ पे भी। लेकिन अगर चिपको आंदोलन की मैं बात करूँ तो इस चिपको आंदोलन
यानी जो प्राण को बचाने का जो मूवमेंट चलाया गया था, ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है, ये छिपको आंदोलन कहीं ना रिलेट करता है। लगभग 17 सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, 17 सेंचुरी में, 17 के एरा में जो है 17वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में वहाँ पे एक प्लांट मिलता है खिजड़ी, है ना, खिजड़ी प्लांट मिलता है। उस प्लांट को बचाने के लिए, क्योंकि खिजड़ी प्लांट ऐसा प्लांट होता है कि जो राजस्थान यानी जैसा डेजर्ट वाला इलाका है, और आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट वाले इलाके में प्लांट में यानी वहाँ पर ऑक्सीजन तो मिलती है लेकिन हरियाली नहीं होती है और पानी की कमी होती है। तो जो खिजड़ी प्लांट है यही एक ऐसा प्लांट होता है कि जिसमें पत्तियाँ भी होती हैं, प्लांट्स में पानी स्टोर भी बढ़िया करता है, वो हरियाली भी देता है, है ना। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जैसे एक प्रकार से पूरा परिपूर्ण अपने में एक जो है डेकोरेटिव प्लांट होता है। बहरहाल कैक्टस भी होता है लेकिन कैक्टस में कांटे होते हैं, कोई उसकी छाया में बैठना नहीं चाहता, लेकिन खिजड़ी जो प्लांट होता है इसमें पत्तियाँ होती हैं जो अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको छाया भी देता है, लोगों को छाया भी देता है, जानवरों को पत्तियों की वजह से उनको फूल भी मिलता है। तो खिजड़ी प्लांट को बचाने के लिए जो है वहाँ पर मूवमेंट चलाया गया था, है ना। तो इस प्रकार खिजड़ी प्लांट से कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है आपका चिपको मूवमेंट, क्योंकि ये वहीं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे महिलाओं ने पकड़ा था खिजड़ी प्लांट को बचाने के लिए, उसको उन्होंने घेरे में ले लिया था, सेम कंडीशन ये चिपको मूवमेंट भी चला था, ठीक है। तो ऐसे कुछ मूवमेंट चलाए जाते हैं, और हर साल हमारे यहाँ वन महोत्सव मनाया जाता है ना। तो ऐसे ही 1974 के आसपास जो मैंने आपको बताया था कि 1974 के आसपास जो है फिर इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है ना। तो 5 जून को ये मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे जो है 1974 के आसपास, इसको मतलब 74 जो आपका 1974 से इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। और इसका जो पहली बार जो घोषणा की गई थी, डिक्लेयर किया गया था, वो 1973 में किया गया था, है ना, ट्रायल के तौर पर। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू 1974 से इसको कंटिन्यू सेलिब्रेट करने लगे सब लोग, और फिर दुनिया में मनाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन वन महोत्सव है ना, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, पर्यावरण को सुटेबल बनाने के लिए, इससे जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो वाटर का लेवल है वो बैलेंस बना रहे, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट इसमें निकल जाता है क्या, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। अब देखिए जो फॉरेस्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ भी आएगा। अब अगर फॉरेस्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ भी आएगा, यानी जंगली जानवर भी आएंगे, है ना। अब भाई जंगली जानवर आएंगे, कौन कौन से जंगली जानवर आएंगे, जैसे लायन आएगा, टाइगर आएगा, एलिफेंट आएगा, एलिफेंट आएगा, है ना, स्टैग आएगा, डियर, है ना। यानी कुल मिलाकर जो एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी आएंगे और यहाँ पर रहेंगे, उनको फूड मिलेगा, कुल मिला करके वो पूरा एक प्रकार से फैमिली बन जाएगा। एक प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे खाने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए और रहने के लिए। यानी कुल मिलाकर एक प्रकार से फैमिली का रूप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक फैमिली का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और सब सारे प्लांट्स, सारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग फैमिली में करते हैं। अब आपको जैसे पता है कि आपको पता है कि टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है ना, ये इंडिया का है, और जो पीकॉक होता है बेटा, पीकॉक ये हमारा नेशनल
नेशनल बर्ड है। अगर हम डॉल्फिन की बात कर लें तो नेशनल फिश है ये, है ना। तो सोचिए ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनको इनके जो प्रोडक्शन होता है, जब इनका प्रजनन होता है, इनकी जो जनसंख्या है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे लॉज यानी कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि लगभग 104 हमारे यहाँ क्या हैं, क्या बेटा नेशनल पार्क हैं, यंत्री मान लीजिए आप। उसके बाद मैंने 545 44 45 के आसपास मैंने आपको बताया था जो है आपको अभ्यारण्य वगैरह बताया था मैंने आपको, और ये भी बताया था कि 18 जो है आपके यहाँ पे क्या हैं बायोलॉजिकल स्फीयर हैं, है ना। 4 भारत में जो है क्या मिलते हैं हॉटस्पॉट मिलते हैं, है ना। टोटल दुनिया में 35 हैं जिसमें से 4 आपके भारत में मिलते हैं। तो कहने का मतलब देखा जाए तो हमने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हमने इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने योजनाएं चालू की, उसको जो है ऑपरेट किया, उसको हमने हेल्प मतलब सक्सेस बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी मदद की। तो इस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये हमसे कहीं नहीं रिलेट करते हैं बेटा। और मैं थोड़ा सा लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के अलावा कुछ बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती है बेटा। माइग्रेटरी बर्ड्स देखिए, जो माइग्रेट करके आती हैं इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, है ना। प्रवासी पक्षी, जैसे कहने का मतलब हो गया कि जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, जो ऐसे एनिमल्स या ऐसे बर्ड्स जो बहुत ठंडे इलाकों में रहती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए, लेकिन अंडे देने के लिए, उनको अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा सा अपने उस ठंडी इलाकों से माइग्रेट करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अगर ठंड होगी तो अंडे जम जाएंगे, उसमें से चूजे, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो किसी भी चीज़ में अगर बच्चे निकलना है तो अंडे को गर्म होना पड़ेगा, अंडे को हीट करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से अपने इलाके से माइग्रेट कर जाते हैं, कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। क्योंकि साइबेरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया में जब आते हैं तो ये क्योंकि जो है क्योंकि इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे ठंड अगर दोनों मौसम पाया जाता है, इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है देखा जाए जहाँ पर मौसम ठंडा अगर दोनों होता है, यहाँ पे सूटेबल है, तो इसलिए वो बर्ड्स इंडिया माइग्रेट करके आती हैं, यहाँ पर रहती हैं। जब तक यहाँ पर ठंडक होती है तब तक यहाँ पर रहती हैं वो, यानी देखा जाए तो ठंडक शुरू होते ही आती हैं और ठंडक समाप्त होते ही, यानी जब विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तो माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में विंटर करती हैं, और जब ठंड का सीजन यानी विंटर का सीजन जाने वाला होता है, बीतने वाला होता है, समर आने वाला होता है, तो ये जो है बर्ड्स भी माइग्रेट कर जाती हैं इंडिया से, पुनः अपने प्रवास पर निकल जाती हैं जहाँ से आई रहती हैं, जहाँ पर इनका आवास होता है, जहाँ पर इनका घर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, और आपका चैप्टर बेटा फिनिश हुआ, आज से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब जल्दी ही से आपका जो है चैप्टर जितने भी पढ़ाए गए हैं सबके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सारे टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके शुरू हो जाएंगे, और आप अच्छे से जो है अपने टॉपिक को पढ़िए, नोट्स को कंप्लीट करिए और नंबर्स को अच्छे से गेन करिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स होते हैं, कहीं कोई समस्याएं होती हैं तो हमसे डिस्कस जरूर करें, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं अपने क्लियर नहीं करेंगे, अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे तब आपकी समस्या का सलूशन मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और आपके डाउट्स हमेशा आपके लिए डाउट ही बने रहेंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, और आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू सो मच बेटा।